हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज का सेशन है उसमें हम बात करेंगे, जो TSSB SPA और JJA का एग्जाम हुआ है उसका थोड़ा सा एग्जाम का एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे। तो जब हम एसए के बात बारे में बात कर रहे हैं, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट TSSB JJA राइट। सो जो ऐसे है वो 50 मार्क्स का था, जो 1 जून को शिफ्ट वन में SPA का एग्जाम हुआ था। उसका टॉपिक था टुडेज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी। जो सेकंड शिफ्ट में JJA का एग्जाम हुआ उसका जो टॉपिक था वो था एजुकेशन सर्विस और बिजनेस। सेकंड जून में जो शिफ्ट वन JJA का एग्जाम हुआ उसका टॉपिक था रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी। और जो सेकंड जून का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ उसका टॉपिक था स्पेंड अ डे विदाउट इंटरनेट मोबाइल एंड टेलीविजन। तो जब हम ऐसे के बारे में बात करें तो कोई भी टॉपिक टॉपिक ऐसा नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट लेवल का हो, इजी टू मॉडरेट लेवल का था। जब भी ऐसे टॉपिक आता है तो डेफिनेटली ईच एंड एवरी कैंडिडेट दे टेक टाइम टू थिंक कि क्या हम लिखेंगे पॉइंट्स एंड व्हाट आर द वर्ड्स व्हिच वी विल बी यूजिंग व्हिच विल मेक आवर एसे मोर लाइक अपीलिंग। तो फिर हम जब एसे के बारे में बात करें तो सबका जनरली द लेवल विल बी ऑफ द सेम लेवल। किसी ने बहुत अच्छे से तैयारी की हो तो उसका थोड़ा बेटर होगा, अदरवाइज जो भी टॉपिक थे वो ठीक लेवल के थे। अब हम आगे ग्रामर की बात करें तो जो आपका फर्स्ट राउंड था, अगर आपने उस वाली ग्रामर कर ली है, वो वाली लेवल, ऑब्वियसली यू ऑल क्वालिफाइड इन द फर्स्ट राउंड, सो डेफिनेटली ये ग्रामर आपके लिए इट वुड हैव बीन अ पीस ऑफ केक फॉर यू ऑल, बिकॉज द ग्रामर पोर्शन वॉज ईजी, इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ईजी। बट जो ट्रांसलेशन था ये होगा आपके पूरे एग्जाम का गेम चेंजर। जो 1 जून है डेफिनेटली उनके लिए तो एक ऐसा हो गया कि दे वेर सरप्राइज टू सी दोज ट्रांसलेशन ऑफ द जुडिशियरी वर्ड्स एंड ऑल। तो 2 जून वालों के लिए थोड़ा दे वेयर दे केम टू नो थ्रू द एनालिसिस एंड ऑल की ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, तो उन्होंने रात भर में जो तैयारी की होगी, मगर बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे कि एकदम से याद होने वाले भी नहीं थे। तो जो गेम चेंजर होगा वो होगा ये ट्रांसलेशन वाला सेक्शन। अब हालांकि इस एग्जाम में फिर से अगेन देयर वर इश्यूज व्हिच वर रेज बिकॉज ऑफ की वो एग्जाम जेन्युइन हुआ, डिस्क्रिपेंसी हुई बीच में, बहुत बच्चों को आराम से भेजा जा रहा था तो बहुत सारी बातें हुई, लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंस हैपनिंग इन द एग्जामिनेशन रूम। सो यू ऑल ऑल्सो मेल DSSB को मेल करो, लेट देम नो, उनके संज्ञान में आनी चाहिए ये बातें कि ऐसी चीजें हो रही थी एंड लॉट्स ऑफ चिल्ड्रेन दे आर टॉकिंग अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन देयर एग्जामिनेशन सेंटर। तो वो तो बात है, अगर सब चीज को छोड़ दें तो जब हम कट ऑफ की बात करें तो आगे जो टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए कौन से बच्चों को तैयारी करना चाहिए, तो जो अगर अनरिजर्व में आपकी 64+ आ रही है मार्क्स, और आई थिंक ऑल ऑफ यू नो कि इसमें ये था कि अगर आपका 50% है, मतलब जो मेन है कि कम से कम 50% तो आना ही चाहिए अनरिजर्व को इन द डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, और रिजर्व कैटेगरी को 45% लाना ही है। तो अगर वो हो रहा है और अनरिजर्व में आपका 64+ है, OBC का 56+ है, SC में अगर आपका 61+ बन रहा है, ST में 52+ बन रहा है, और अगर आपका नंबर 1-2 नंबर इसके आगे पीछे भी है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए टाइपिंग की। डोंट वेट फॉर द टाइम कि जब रिजल्ट आएगा देन वी विल स्टार्ट विद द टाइपिंग प्रैक्टिस, यू विल नॉट गेट दैट मच टाइम कि हम इतना वेट करें, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। तो टाइपिंग के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 25-30 के बीच में अभी है तो यू शुड ज्वाइन अ टाइपिंग इंस्टीट्यूट नियर बाई योर प्लेस, बहुत जरूरी है। और बाकी जिनका 30+ है, आई विल टेल यू द स्ट्रैटेजी, वॉट यू हैव टू डू, वॉट आर द एप्स यू नीड टू इंस्टॉल, आई विल गिव यू अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट इट। सो ये है एनालिसिस, और रिगार्डिंग आगे की स्ट्रैटेजी और जो DSSB का जुडिशियल असिस्टेंट आने वाला है, TGT कंप्यूटर साइंस आने वाला है, NBS की जो वेकेंसी आई है, उन सब के लिए भी सेशंस आएंगे एंड अ सेपरेट प्लेलिस्ट विल बी डेडिकेटेड फॉर द एग्जाम। सो चैनल से जुड़े रहिए और जो नए आए हैं वो भी जुड़ जाइए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर रिजल्ट्स, एंड लेट्स होप वी मीट अगेन सून। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।